आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर सिक्स स्टाफिंग स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट के टोटल फाइव फंक्शंस होते हैं जिसमें से स्टाफिंग जो है वो थर्ड फंक्शन है आज इसी फंक्शन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे स्टाफिंग एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंट पोस्ट हैं उनको फिल करना विद द कॉम्पिटेंट पर्सन मीन्स जो एफिशेंट और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनसे उन पोस्ट उन को फिल करना है तो स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग स्टाफिंग में हम मैन पावर प्लानिंग को इंक्लूड करते हैं मीन्स हमें अपने ऑपरेशंस को मीन्स अपनी एक्टिविटीज को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है देन रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट मीन्स कि उन वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको इनवाइट करना फॉर सेंडिंग देयर एप्लीकेशंस नाउ द नेक्स्ट इज सिलेक्शन सिलेक्शन वर्क भी स्टाफिंग का ही पार्ट होता है सिलेक्शन में हम क्या करते हैं जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कंपनी को या फॉर्म को रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एप्लीकेशन सेंड की हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है सिलेक्शन के लिए अलग अलग तरीके हम फॉलो करते हैं जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट कराना इंटरव्यू लेना तो ये सिलेक्शन के तरीके हैं ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से ट्रेनिंग जब एम्प्लॉई एक बार ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट हो जाते हैं तो देन उनकी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है वर्क रिलेटेड कंपनसेशन मीन्स उन्हें जो पेमेंट की जाती है उनकी प्रमोशन या उनकी मेंटेनेंस के लिए मीन्स प्रमोशन के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए जो भी हम काम करते हैं सारे सारी एक्टिविटी जो है स्टाफिंग का पार्ट होती है तो स्टाफिंग में एक तरह से क्या क्या चीजें इंक्लूड है स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग कंपनसेशन प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजीरियल पर्सनल स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को सर्च करना उसकी अपॉइंटमेंट करना हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन यानी कि जिसके पास उस वर्क से रिलेटेड राइट क्वालिफिकेशन हो डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम जो सही समय पर सही काम को कर पाए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग या हम नीड या एडवांटेज या बेनिफिट भी बोल सकते हैं इसको तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है स्टाफिंग का फिलिंग द रोल्स बाई ऑबटेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सन एल स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी वैकेंट पोस्ट होती है उनको फिलअप कर सकते हैं विद द कॉम्पिटेंट पर्सनल्स यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं कैपेबल कैंडिडेट्स हैं उस पोस्ट से रिलेटेड वो क्वालिफिकेशन रखते हैं उन कैंडिडेट्स की हेल्प से हम उन वैकेंट पोस्ट को फिल कर सकते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंस इज प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब स्टाफिंग का मेन फंक्शन ये भी होता है कि जो राइट right पर्सन है उसको राइट right जॉब पे अपॉइंट किया जाए मीन्स किसी भी पर्सन को जो वर्क असाइन किया जाना चाहिए वो उसके इंटरेस्ट उसकी एलिजिबिलिटी उसके एक्सपीरियंस के भी यहाँ पर असाइन किया जाना चाहिए थर्ड इंपॉर्टेंस इज ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज कि जो स्टाफिंग फंक्शन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी हेल्पफुल है यानी कि अगर आप कॉम्पिटेंट पर्सनल्स या ट्रेन एम्प्लॉयज अपॉइंट करते हैं आपकी मैन पावर एफिशेंट है तो ऑब्वियसली आपको ग्रोथ में बेनिफिट मिलेगा या आप उस एंटरप्राइज की ग्रोथ के लिए काम करें ऑप्टिकम यूटिलाईजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जैसा कि हमने अभी स्टाफिंग के मीनिंग में पढ़ा भी था कि स्टाफिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं मैन पावर प्लानिंग और मैन पावर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैन पावर प्लानिंग में क्या होता है कि हम मैन पावर की रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन लगाते हैं कि, कि किस डिपार्टमेंट में कितना वर्कलोड है और किस डिपार्टमेंट में हमें कितने एम्प्लॉई चाहिए उनके बिहाब पर हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो एक तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ऑप्टीम यूटिलाइजेशन हो पाता है क्योंकि हम रिक्रूटमेंट करने से पहले उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं वर्कलोड कितना है ये देखते हैं देन हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटेड है और कितने और एम्प्लॉय अपॉइंट करने की हमें जरूरत है उसी के भी पर हम अपॉइंटमेंट करते हैं इसलिए हमारी जो मैन पावर है वो ना तो जरूरत से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही जरूरत से कम होनी चाहिए ये सभी काम हम किस में करते हैं स्टाफिंग में यानी कि कोई भी रिसोर्स रिसोर्स हम वेस्ट नहीं जाने देते क्योंकि ना तो एक्सेस मैन पावर होती है हमारे पास और अगर मैन पावर की शॉर्टेज है तो हम सफिशिएंट एम्प्लॉय जो है अपॉइंट करते हैं हेल्प इन कॉम्पिटिंग हमारे जो कॉम्पिटर्स हैं उनको कॉम्पीट करने के लिए ये जरूरी है कि आपकी जो मैन पावर है या एम्प्लॉय हैं वो एफिशिएंट हो वो फुल डेडिकेशन से फुल डिवोशन से काम करें अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर एफिशेंट है इफेक्टिव है तो एक कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयिज स्टाफिंग फंक्शन एम्प्लॉयज के मोरल को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है क्योंकि स्टाफिंग में सिर्फ हम अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन ही नहीं लेते हैं उसके अंदर हम प्रमोशन को भी इंक्लूड करते हैं जो उन्हें मॉनेटरी पेमेंट की जा रही है एम्प्लॉई को या टाइम टू टाइम उन्हें जो ट्रेनिंग दी जा रही है ये सभी काम हमें स्टाफिंग के अंदर देखने होते हैं तो एक तरह से जो स्टाफिंग फंक्शन है वो एम्प्लॉयज़ के मोराल को इंक्रीज करने का काम करता है बाय गिविंग द ट्रेनिंग टाइम टू टाइम टू द एम्प्लॉयीज़ की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शंस हैं मीन्स स्टाफिंग के बाद जो दो फंक्शन बचते हैं डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वो इफेक्टिवली तभी परफॉर्म आप कर पाते हैं जब स्टाफिंग फंक्शन आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं मीन्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैन पावर अपॉइंट करते हैं अगर मैन पावर नहीं होगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर पाएगी मीन्स ये जो फंक्शन है मैनेजमेंट के बाकी फंक्शंस के लिए एक इफेक्टिव की का काम करता है जब आप मैन पावर अपॉइंट करते हैं तभी एक्चुअल में रियलिटी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग स्टार्ट कर पाती है अगर मैन पावर नहीं होगी एम्प्लॉय नहीं होंगे तो एक्चुअल में उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि रियल प्लेटफॉर्म पर काम नहीं हो पाएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी स्टाफिंग फंक्शन की इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में